नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ इस हफ्ते क्या हुआ कि बहुत सारी G20 की मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग्स में फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया में, बहुत सारे कंट्रीज के। ओवरऑल 20 कंट्रीज जो G20 में वहाँ के तो आए ही थे, और साथ ही साथ में कुछ अन्य देशों के भी आए थे जिसको इंडिया ने इन्वाइट किया हुआ था। इसी बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई बहुत हैवी। जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर थी वो आई थी इंडिया में G20 की मीटिंग के लिए, लेकिन जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंची तो बहुत सुबह सुबह पहुंच गई। वहां पे रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ था। अब जो कि नियम ऐसा है कि रेड कारपेट बिछा हुआ होना चाहिए, वहां पे कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिस हिसाब से वहां पे लोग खड़े होते हैं उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन जब ये वहां पे पहुंची तो बहुत जल्दी उनका प्लेन लैंड कर गया, इस वजह से वहां कोई था ही नहीं। वही कैप्टन थे जो उस एरिया को मैनेज कर रहे थे, और एक दो अन्य लोग थे, और जर्मनी के जो अम्बेसडर टू इंडिया हैं वो वहाँ पे थे। तो हुआ क्या कि इनकी इस वीडियो को कंपेयर किया जाने लगा सर्गेय लावरोव से, जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि देखो वो जब आए तो इंडिया में किस तरह से उनका वार्म वेलकम हुआ। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, वार्म वेलकम और कोल्ड शोल्डर्ड वेलकम। तो जो कोल्ड शोल्डर्ड वेलकम होता है वो यही होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका स्वागत नहीं करना, या मतलब हाँ ठीक है कोई आया है आने दो, कोई बात नहीं, आना ही था इनको, आ गए कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी आ गए। लेकिन अगर कोई विदेशी नेता आता है और उसको कोई इंडियन नेता या कहीं भी ऐसा होता है कि कोई सामने जो उसको रिसीव करने जा रहा है वो भी पावरफुल व्यक्ति है, और वो जाके उसको रिसीव कर रहा है और गले वगैरह मिल रहा है, हाथ वगैरह मिला रहा है, इट्स मीन कि बहुत वार्म वेलकम किया गया उस व्यक्ति का। तो यही हुआ इस कंट्रोवर्सी के पीछे। जो जर्मन लोग थे वो कह रहे थे ह्यूमिलेशन हुआ है जर्मनी का, ये वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया ने ह्यूमिलेट किया है, क्योंकि रेड कारपेट नहीं था वहाँ, उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था। अच्छा हुआ जर्मन जो अम्बेसडर टू इंडिया हैं वो वहाँ पे थे, और एक कैप्टन और साथ में एक दो लोग और थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा वहाँ पे नेता नहीं था इंडिया की तरफ से, ना कोई बड़ा अधिकारी था। मान लो कि एस जयशंकर साहब जा सकते थे, ऐसा कुछ होता। वैसे ये वर्किंग विजिट थी, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कोई ये जो सोच के चले कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे हमें रिसीव करने के लिए, तो ये सब बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वर्किंग विजिट है G20 की, तो इसमें ज़्यादा इस तरह से वार्म वेलकम की कोई महत्व होती नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल होता है, इंडिया का प्रोटोकॉल काफ़ी जग जाहिर है, तो इस वजह से इस बार इस प्रोटोकॉल में थोड़ा बहुत ये मिसमैच हुआ, और इसको लेकर बहुत सोशल मीडिया पे कमेंट होने लगे। और ये दोनों वीडियो सर्गेय लावरोव की, जो रशियन फेडरेशन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आई थी अलेना ब्रेकबोक, तो इन दोनों के वीडियो को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सर्कुलेट करके और इस बात को मेंशन करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने ह्यूमिलेट किया है जर्मनी को। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत साइलेंट था, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ है कि इसका जवाब दिया है जर्मन अम्बेसडर टू इंडिया है। उन्होंने कहा है देखो ये नॉर्मली हर एक जर्मन की दिक्कत रही है कि वो थोड़ा भी वेट नहीं कर सकते। जब उनको कहा गया था कि आप प्लेन में रहो और हम प्रॉपर तैयारी के साथ आपका वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे आपको, तो उन्होंने बिल्कुल भी वहाँ पे बैठना इजी नहीं समझा और वो नीचे आ गई। तो ऐसे में अगर वो नीचे आ गई तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं, इतनी सुबह सुबह उनकी प्लेन आ गई थी, और उनकी वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थी जो इंडिया में विजिट कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह से सब आना शुरू हो रहे थे, तो वो बहुत जल्दी आ गई। इस वजह से ये हुआ कि वहाँ पे कोई व्यवस्था ढंग से हो नहीं पाई। फिलहाल हम लोग वहाँ पे थे, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं था, लेकिन बेसिकली यही हुआ कि उन्होंने वेट नहीं किया कि पूरा प्रोटोकॉल अच्छे से निभाया जाए। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया था, वो जल्दी आ ही गई, वो रुकी ही नहीं ऊपर, तो हम क्या कर सकते थे। यानी वो इंडिया की साइड से ही अपने ही जो उनके सिटीजन्स थे जो इस तरह से टारगेट कर रहे थे इंडिया को कि प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया, इवन दो कि ह्यूमिलेट किया गया है जर्मनी को, तो ये सब उन्होंने एक क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वहाँ पे वेट करना अच्छा नहीं समझा, इस वजह से उनको आना पड़ा, हम लोग वहीं पे थे और उनको रिसीव कर लिया। और ये वीडियो जो सर्कुलेट की जा रही थी सर्गेय लावरोव की, जो रशियन फेडरेशन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी और इनकी दोनों साथ में, तो ये अब कंट्रोवर्सी लगभग में समाप्त हो गई है, जब से जो जर्मन अम्बेसडर टू इंडिया है उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया।